आज तो मम्मा कितना ही ज्यादा यम्मी ब्रेकफास्ट बनाई थी। खा के तो मुझे मजा ही आ गया। ऐसे ब्रेकफास्ट से मुझे याद आया, जब मैं ब्रेकफास्ट खाई होंगी तो मेरे लिपस्टिक भी रिमूव हो गए होंगे। हाँ चलो चल के मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ फिर से। हाँ आज ना मैं रेड कलर का लिपस्टिक लगा लेती हूँ। आज मैं लंच में क्या बनाऊँ मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ आई थिंक मुझे रिया से पूछ लेना चाहिए कि मैं क्या बनाऊँ। हाँ ये ठीक रहेगा, चलो चल के जल्दी से पूछ लेती हूँ उससे। वो रिया बेटा मैं बोल रही थी ना। अरे कमर टूट गई, क्या हुआ मम्मा आपको? बेटा बहुत कस के चोट लग गया, जरा मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठा दो। ओहो मम्मा आप देख नहीं रही हो, अभी मैं नेल पेंट हाथ पकड़ के उठाने आ जाऊंगी तो आपको पता है ना मेरा नेल पेंट खराब हो जाएगा। बेटा नेल पेंट बाद में लगा लेना, मुझे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे ना हाथ अपना पकड़ के जल्दी से उठा दे बेटा। ठीक है मम्मा, मैं आपको उठा रही हूँ। बट हाँ आप ना 1 घंटे रुक जाओ, जब मेरे मेकअप और हो जाएंगे और जब मेरे नेल पेंट भी सूख जाएंगे तो मैं आपको उठा दूंगी। बाप रे बेटा 1 घंटे? ठीक है, आधे घंटे तो रुक जाइए। पर बेटा आधे घंटे में तो चावल पक जाएगा, आधा घंटा टाइम वेस्ट ही होगा। तो इससे पहले तुम मुझे उठा दो, मेकअप तो तुम दिन भर करती रहोगी पर मुझे खाना भी तो पकाना है ना। ओह मम्मा अब मैं उठाऊंगी तो आपको आधा ही घंटा बाद, वरना मैं नहीं उठाऊंगी। मैं आपको दिख नहीं रहा मैं मेकअप कर रही हूँ, मैं मेकअप में थोड़ा बिजी हूँ। आप अपने से भी तो उठ सकती हो ना। ओफ वो लगता है अब मुझे अपने ही से उठना पड़ेगा। उमा चलो उठ तो गई। मैं तो आई थी इससे कुछ खाने के लिए पूछने, अब मैं इससे खाने के लिए भी कुछ नहीं पूछूंगी। हाँ मुझे उठाए भी नहीं ये लड़की। पालक का साग बना देती हूँ। ना 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 ना। चलो मेकअप तो हो गया, अब इंस्टाग्राम पे कुछ फोटोज क्लिक करके पोस्ट करती हूँ। फोटोज तो क्लिक हो गया, अब चलो इंस्टाग्राम पे ये वाला फोटो पोस्ट कर देती हूँ। कैप्शन में क्या लिखूँ? हाँ कैप्शन में लिख देती हूँ आई लव मेकअप। चलो फोटोज तो पोस्ट हो गए, अब मैं थोड़ा सा फेस पे अपने क्रीम लगा लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त मम्मा की वजह से अच्छे से थोड़ा मेकअप भी नहीं कर पाए, बस थोड़ा नेल पेंट लगाई और लिपस्टिक लगा पाई। अभी चल के पूरा फुल मेकअप कर लेती हूँ। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रिया की मेकअप करने की आदत धीरे धीरे बढ़ जाती है। रात का खाना तो हो गया, चल के मुंह धो लेती हूँ। चलो मुंह धो लेती हूँ। चलो फेस तो धुला गया, अब फेस पोछ लेती हूँ। चलो फेस भी पोछा गया, अब रूम में जाती हूँ। मिरर में देखती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। ओह माय गॉड मैं तो बिन मेकअप के भूतनी लग रही हूँ। पता नहीं आजकल मेरा चेहरा बिन मेकअप के अच्छा ही नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, आज सोते वक्त भी मेकअप ही कर लेती हूँ। हाँ ये सही रहेगा। और वो मेकअप करने लगती है। चलो किचन का काम तो हो गया, अब मैं सोने चली जाती हूँ, बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है मुझे। अरे 12 बज रहे हैं और अभी तक उसके रूम के बत्ती चालू है। चलो चल के देखती हूँ क्या कर रही है वो। रिया बेटा इतना रात हो रहा अभी तक? बेटा तुम रात को मेकअप कर रही हो? वो हाँ मम्मा, वो एक्चुअली ना मैं बिन मेकअप किए ना मैं पूरी भूतनी जैसी लग रही हूँ, तो मैं सोची कि मैं मेकअप कर। ऐसे भी जब मैं सुबह उठती हूँ भूतनी जैसी लगती हूँ, तो मैं सोची कि रात में मेकअप करके सोऊंगी तो सुबह उठूंगी तो इतनी ज्यादा मतलब खराब नहीं लगू। पर बेटा रात में मेकअप कौन करता? मैं करती हूँ मेकअप मम्मा। अब इस लड़की को कौन बताएगा कि रात में मेकअप नहीं की? पर बेटा हर वक्त मेकअप नहीं करना चाहिए, वरना तुम्हारा चेहरा खराब भी हो सकता है। मम्मा आप फिर से शुरू हो गए। मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि वो सब मेकअप वेकअप से कुछ नहीं होता है, ये सब आप लोग अफवाह फैलाई हैं। पर बेटा ये अफवाह नहीं है, ये सच है। पर मम्मा हीरोइन लोग भी तो करती है, पर उसके चेहरे तो खराब नहीं होते। बेटा उनका वही काम रहता है मेकअप करके मूवीज बनाना, तो वो मेकअप करके बनाते हैं। और रही बात चेहरे खराब होने की बात, तो उनके भी चेहरे खराब होते हैं, ये नहीं कि हमारे ही चेहरे खराब होंगे, उनके भी चेहरे खराब होते हैं। उफ मम्मा आप चुप हो जाइए।
प्लीज़ मम्मा यहाँ से चली जाइए और मुझे मेकअप करने दीजिए। ठीक है बेटा, मैं तो तुझे कितना बार समझाऊँ कि इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, पर तू तो मेरी सुनती ही नहीं है। अरे ये अलार्म बिना, ओह सुबह हो गई। चलो मिरर में जाके देखती हूँ मेरा फेस कैसा लग रहा है। मेरा चेहरा, मेरा फेस को क्या हो गया? अरे लगता है ये आवाज़ तो रिया की है। चलो जोर के देखती हूँ क्या हुआ रिया। इतने सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है लड़की? अरे ये रिया के रूम से रोने की आवाज़ आ रही है। रिया बेटा क्या तुम रो रही हो? प्लीज़ बेटा दरवाज़ा खोलो। बेटा बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। मैं मम्मा को क्या बताऊँ मेरे चेहरे का क्या होगी मेरे चेहरे को? बेटा कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो बेटा प्लीज़। नो मम्मा मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। क्या हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं दरवाज़ा खोली? अपने मम्मा को बताओ ना क्या हुआ है। प्लीज़ प्लीज़ बेटा दरवाज़ा खोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज़ बेटा। ओके मम्मा मैं खोल रही हूँ दरवाज़ा। बेटा ये कैसे हुआ बेटा? मम्मा मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। बेटा मैं तुझे बोलती थी कि मेकअप वगैरह मत लगा, उससे तेरे चेहरे पे नुकसान हो सकता है। मम्मा आप सही कहती थी, आपकी बात ना मानने की वजह से आज मेरा चेहरा कैसा हो गया है। अब तो मैं किसी के मुंह दिखाने के लायक भी नहीं हूँ। काश मम्मा मैं आपका बात मान लिए होती तो ये नौबत ही नहीं आता। बेटा मैं तुझे बोलती थी कि मेरा बात मान ले, आज तेरे फेस को क्या हो गया? तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा वीडियो। सो फ्रेंड्स ये कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें कभी भी बड़े के बात को टालना नहीं चाहिए, बड़े की बात माननी चाहिए। पर रिया अपनी माँ का बात टाल देती है जिस वजह से उसकी वो हालत हो जाती है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ हमारे ये चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर